आपने नाइन्थ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, हम उससे आगे की बात कर रहे हैं। बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास क्या है, इफ वी ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर नंबर लाइंस, एक वर्टिकल लाइन ले रहे हैं जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं और एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन कह रहे हैं इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कह रहे हैं। दीज आर नंबर लाइन्स, नंबर लाइन्स मीन्स इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स या मेंशन है बोथ साइड ऑफ द इंटरसेक्शन। राइट साइड हमारे पास प्लस होता है, लेफ्ट साइड हमारे पास माइनस होता है, ऐसे ही हमारे पास ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। सो वन टू थ्री फोर फाइव, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, ये हमारे पास है जो आपने नाइन्थ में पढ़ा हुआ है। जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। अब हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास इस प्लेन पे, इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, पहली बात तो ये है कि जो हमारे पास टू लाइंस को इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये प्लेन डिवाइड होता है फोर पार्ट्स में, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट कहलाते हैं, क्वार्टर भी कह सकते हो आप, फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर, क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन ईच क्वाड्रेंट अगर आप कहीं पे भी कोई भी पॉइंट लेंगे तो हम उस पॉइंट का एड्रेस बता सकते हैं। एड्रेस क्या होता है कि भाई हमारे पास जो भी हम पॉइंट लेंगे उसका रेफरेंस रेफरेंस पॉइंट होगा ओरिजिन। किसी भी एड्रेस को आपको मेंशन करने से पहले आपको रेफरेंस बताना होता है कि सर मैं ओखला में रहता हूँ, तो वो पूछेगा कहाँ, सर अबुल फजल, अबुल फजल में कहा, या तिकोना पार्क, तिकोना पार्क में कहा, सर नियर स्टडी पॉइंट, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट इज स्टडी पॉइंट। तो आपके पास जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस ओरिजिन से रेफरेंस दो गया, आइदर इट विल बी राइट साइड और लेफ्ट साइड फ्रॉम द ओरिजिन एंड अपवर्ड और डाउनवर्ड टू द ओरिजिन। जैसे ये अगर हम पॉइंट ले लें तो ये ओरिजिन से राइट साइड है, तो राइट साइड कितना राइट साइड है, हाउ मच, तो आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये जो आपके पास आएगा ये आपको बताएगा कि ये राइट है या लेफ्ट है ओरिजिन से। तो राइट लेफ्ट को हम उसकी वैल्यू जो हम लेते हैं उसको हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, या आप इसको एब्सिसा भी बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। और ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये कितना ऊपर है ओरिजिन से, कितना ऊपर है, या लो यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालें वाई एक्सिस पे, तो ये जो पॉइंट आ रहा है तो ये हमारा होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट या सिंपली इसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो इस केस में पी हमारा जो है वो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो थ्री है और वाई कोऑर्डिनेट टू है, तो हम पी की जो वैल्यू बताएंगे, हम पी की वैल्यू थ्री टू बताएंगे, ये आप सब बच्चों ने सीखा होगा। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो जीरो जीरो होते हैं, ये आपने सीखा होगा। एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं ऑन एक्स एक्सिस हमारे पास वाई हमेशा जीरो होता है। मान लीजिए अगर मुझे इस पॉइंट को बताना है तो इसके लिए एक्स तो वन है वाई जीरो है, और वाई एक्सिस पे आपको पता है ऑन वाई एक्सिस एक्स जीरो होता है। मान लीजिए अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं टू की, तो यहाँ पे x जीरो है और y टू है। इतनी आपको नॉलेज एटलीस्ट होनी चाहिए जो आपने नाइन्थ में किया है। थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए, जरूरत तो नहीं होती यहाँ पे, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं x एक्सिस इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है,
y एक्सिस अपसाइड प्लस होता है, लो जो है वो माइनस होता है। तो फर्स्ट पहले x को बताते हैं फिर y को। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो आता है वो प्लस प्लस आता है, सेकंड में माइनस प्लस आता है, थर्ड इज माइनस माइनस एंड फोर्थ इज प्लस माइनस। तो ये हमारे पास साइन होते हैं। तो खैर हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि भाई हमारे पास जो अब हम इसको अगर समराइज करें कि नाइन्थ में हमने क्या सीखा कि हम कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे तो उसमें दो वैल्यूज आएंगी, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास होगा ऑन एक्स एक्सिस वाई हमेशा जीरो, एंड वाई एक्सिस पे जो होगा वो हमारा एक्स जीरो। ये बस हम जो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट कह रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट या एफ सी सा, और जो y की वैल्यू है उसे हम y कोऑर्डिनेट कह रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में, या फिर कोऑर्डिनेट भी है। ये हमने पढ़ा है नाइन्थ में। हाँ भाई सब बच्चों ने पढ़ा है नाइन्थ में? हाँ सर, इतनी इंफॉर्मेशन सबके पास है या नहीं? हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस सर। पढ़ा है या नहीं पढ़ा? यस सर। आयान आपको आवाज आ रही है? यस सर। अंजला? यस सर। लामिया? यस सर। अब यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में देखिए, ये डेरिवेशन भी आ सकता है कि सपोज करो ये हमारे पास है, ये फॉर्मूला हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका यही, ये आपके पास y एक्सिस है और ये आपके पास x एक्सिस। इट इज अवर x एक्सिस, इट इज अवर y एक्सिस एंड वी हैव टू पॉइंट्स। ये हमारे पास पॉइंट है, इसको हम कह रहे हैं p, दैट इज x1 y। और आपसे कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक पॉइंट है q, दैट इज x2 y। तो हमसे कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ये मुझे डिस्टेंस चाहिए। मेन हमारे पास क्वेश्चन भी फर्स्ट एक्सरसाइज कम्प्लीटली इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो हमें इसे फॉर्मूला चाहिए, तो हमें इसका डेरिवेशन भी चाहिए और इसको यूज भी हम करें। तो कैसे आता है हमारे पास पी क्यू का फॉर्मूला? तो हम आपसे क्या कह रहे हैं कि भाई एक्स वन का क्या मतलब है, वट इज द मीनिंग ऑफ एक्स वन? एक्स वन का मतलब है अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें पी से, सपोज करो हम इसको कहें ए, तो ये डिस्टेंस हमारा एक्स वन दैट इज ओ ए, और अगर हम पी से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो दिस डिस्टेंस विल बी वाई वन। यस और नो? एक्स वन होता है ओरिजिन से वो कितना राइट लेफ्ट है, वाई होता है वो ओरिजिन से कितना ऊपर और नीचे। इसी तरह से अगर हम क्यू से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ये सपोज करो हमने लिया, ये हमारे पास बी था, यहाँ लिया हमने सी, तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है हमारा एक्स टू, और हमने यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाला और ये डिस्टेंस हो गया वाई। अब हम कह सकते हैं कि भाई ये डिस्टेंस हमारा वाई वन है और ये डिस्टेंस हमारा वाई। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि ए सी कितना होगा? हाँ भाई, ए सी आप, वेरी गुड, ये हमारा डिस्टेंस एक्स टू है और ये हमारा डिस्टेंस एक्स वन है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस हमारा एक्स टू माइनस एक्स वन। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये सपोज करो इसको हम कहते हैं आर, कहते हैं, तो अगर हमारे पास ये नीचे x2 माइनस x1 है तो ये डिस्टेंस भी x2 माइनस x1, ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होंगे। ध्यान रखना ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और ये भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया,
तो ये रेक्टेंगल बन रहा है। इसी तरीके से हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है y2 और ये डिस्टेंस है y1, तो क्या हम ये QR बता सकते हैं? QR कितना होगा? ध्यान से देख लीजिए, ये डिस्टेंस हमारा y2 है टोटल, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक ये हमारा है y1, ये y1 इसके इक्वल होगा। सो QR हमारा होगा y2 माइनस y1। यस और नो? हाँ भाई, हमारा ये डिस्टेंस हमारा ये डिस्टेंस आया है x2 माइनस x1 और हमारा ये डिस्टेंस आया है y2 माइनस y1, तो हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है PQ। अगर आप इसको अलग से ट्राइंगल समझें अब, तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, फॉर्मूला ड्राइव। ये 90 है, ये x2 माइनस x1 है, ये y2 माइनस y1 है और ये हमारा PQ। By Pythagoras, PQ square is equals to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Taking a square root, so PQ will be under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ये मत पसंद। मेन पार्ट जो है हमारा, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, वो सिर्फ इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। इफ वी हैव गिवन टू पॉइंट्स, देयर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन x1 y1 एंड x2 y2, देन द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए, अगर सपोज करो मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास a पॉइंट है 5, 7 और ये मेरे पास B है 3, 4, तो आपसे कह रहा है डिस्टेंस निकालो AB। सो AB सिंपली होना है अंडर रूट। ध्यान से देख लीजिए, ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2। फॉर्मूला हमारा क्या है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये याद रखना। इसको भी मैं थोड़ा सा आसान कर रहा हूँ आपके लिए, कि आप ये भी सोच सकते हो डी एक्स स्क्वायर एंड डी वाई स्क्वायर। डी एक्स डिफरेंस ऑफ एक्स का स्क्वायर, डी वाई डिफरेंस ऑफ वाई का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो आप किसी में से किसी को माइनस करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपने क्या किया, आपने कर दिया अंडर रूट 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये 5 माइनस 3, x को माइनस कर रहे हो पहले, फिर y को करिए, तो y हमारे पास ये है 7 और 4, तो आप क्या कर रहे हो 7 माइनस 4 का स्क्वायर, तो आपके पास फाइनली आ जाएगा 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4, 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर 9। से 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर 9, तो फाइनली आपका अंडर रूट आ गया 30। अगर यहाँ आपने ये कर लिया होता कि नहीं सर हम तो इसको ऐसे करेंगे, PQ AB इज इक्वल्स टू, मैं आपसे कह दूं अंडर रूट, आप कहते नहीं सर 3 माइनस 5 का स्क्वायर कर लेते और 4 माइनस 7 का स्क्वायर कर लेते, तो भी आपके पास कुछ नहीं होगा। 3 माइनस 5 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 7 माइनस 3, बट माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है, तो 9 प्लस 4 इज अंडर रूट 13। तो स्क्वायर होने की वजह से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब माइनस में अगर कोई वैल्यू आ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं होगा, रहेगा आंसर सेम। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है डिफरेंस ऑफ x एंड डिफरेंस ऑफ y, बस डिफरेंस ऑफ x का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y का स्क्वायर। तो आपके पास सीधे सीधे इसी पे क्वेश्चंस हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज। कितने तरह के क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिए, बट एक बार फिर देख लीजिए फॉर्मूला कि अगर हमारे पास एक पॉइंट दिया हो x1 y1 और एक पॉइंट दिया हो x2 y2
तो आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास होता है डिस्टेंस, हमारे पास होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है जी? देखो हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत छोटे छोटे से हैं, देखिए सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो होता है डिस्टेंस अगर गिवन, आपसे कहते हैं डिस्टेंस फाइंड करना। फाइव टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस डिस्टेंस फॉर्मूला पे हैं, तो देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द डिस्टेंस, ये हमारे पास क्वेश्चन। तो आपसे कह रहा है कि ए 713 है, टाइप वन क्वेश्चन है, समझिए आपके एनसीईआरटी में भी पहला क्वेश्चन ये है। अच्छा है अपने कोऑर्डिनेट्स के आप नाम लिख लिया करें जिससे डिस्टेंस निकालना आसान हो। So there are two points AB, find the distance AB. So AB will be under root distance of x. X हमारा ये 7 minus 10 करिए या 10 minus 7 करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने किया 7 minus 10 square and y का difference 13 minus 9 square. 7 minus 10, 3, 3 square is 9, 13 minus 9 is 4, 4 square is 16, 16, 9, 20, 25, 25 square root is 5. So, पहला question तो ये होता है जिसमें आपको distance निकालना। Type 1 is find distance. Second, ये हो सकता है कि नहीं distance given है, find point. Type 2. टाइप टू हमारे पास क्या है, अगर आपको डिस्टेंस दे दो तो क्वेश्चन दिए हुए हैं,
you the second question. The distance between A and B is 13. Formula एक ही रहेगा पूरे एक्सरसाइज में, कुछ नया नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला आपने याद रख लिया होगा. द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी इज 13 यूनिट्स. तो जो गिवन है वो लिख देते हैं कि भाई ए बी जो है दैट इज 13 यूनिट्स. बट ए बी होता क्या है, ए बी होता है अंडर रूट. हमारे पास ए गिवन है के माइनस फाइव एंड बी गिवन है 27. सो ए बी इज इक्वल टू 13. व्हाट इज ए बी, ए बी इज अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर. तो आपके पास आएगा के माइनस टू होल स्क्वायर एंड वाई टू माइनस वाई वन. तो आप कह सकते हैं माइनस फाइव माइनस सेवन स्क्वायर. स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए आप स्क्वायरिंग कर सकते हैं. तो अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो के स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर के एंड माइनस फाइव माइनस सेवन स्क्वायर. Well, square is 144. Squaring both side करेंगे 13 square 169 आ जाएगा. अब आपको equation बनानी है. Equation को कैसे solve करना है? आप करोगे k square minus 4k 144 and 4 148. हमारे पास है 169. तो 148 minus 169 कितना हो गया भाई? जी सर. 21. चलो माइनस 20. अब आपको इसको फैक्टराइज करना है पॉलिनोमियल की तरह से. तो 7 3 जा 21. तो k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 3k माइनस 21 इज इक्वल टू 0. k कॉमन सो k माइनस 7. 3 कॉमन अगेन k माइनस 7. सो k माइनस 7 अगेन कॉमन. सो वी हैव k प्लस 3. आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा k is equals to 7 और minus 3. तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे. यहाँ पे क्या भी रहा, ये आंसर भी हमारा आया बस माइनस 3 और 7. तो दूसरा हमारे पास होता है कि अगर डिस्टेंस गिवन हो तो आपको कोऑर्डिनेट निकालना. अब तीसरा होता है, अगर मैं आपसे बात करूँ, कंडीशन बेस्ड होता है. कंडीशन दे दे कुछ, कोई भी कंडीशन हो सकती है एज पर गिवन कंडीशन. ये हमारे पास टाइप 3 है. कंडीशन क्या होगा, चलिए एक क्वेश्चन ये हमें दिया हुआ है. यहाँ पे आपको जो हमने आपसे इन्फॉर्मेशन दी थी वो यूज होगी थोड़ी सी. आपसे कह रहा है क्वेश्चन में व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट ए 5-3. तो यहाँ पे जो कह रहा है उसी के हिसाब से आपसे क्या कह रहा है, व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. कंडीशन जो दी हुई है वो एक्स एक्सिस की बात कर रहा है. तो अगर आपको पॉइंट लेना है एक्स एक्सिस पे तो क्या आप बता सकते हो क्या होगा, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. तो हम सपोज कर रहे हैं, तो हमें पता है एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है, ठीक है, ए तो यहाँ गिवन है, पी ले उसके लिए वाई जीरो होता है. यस और नो, आपसे कहता है पॉइंट फाइंड करिए, व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. हमने सपोज कर लिया लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी पी एक्स जीरो. हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए, ए इज गिवन 5-3 एंड इज आल्सो गिवन दैट द डिस्टेंस इज 5 यूनिट्स. सो गिवन पी ए इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स. पी ए निकालो भाई क्या होगा. अच्छा ये है कि अंडर रूट को वहां स्क्वायर करने से अच्छा है कि यहाँ आप स्क्वायर कर दिया करें. पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25. तो जरा पी ए स्क्वायर करो, एक्स माइनस 5 स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 25. आप ओपन करिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 25. तो 25 कैंसिल. तो आपके पास फाइनली एक पॉलिनोमियल आ गया, इक्वेशन आ गई माइनस 10x प्लस 9.
तो आपके पास क्या आएगा, 9 और 1 फैक्टर्स आ जाएंगे, तो x square minus 9x minus x plus 9 is equals to 0, x common, so x minus 9, 1 common, again x minus 9, so x minus 9 common, so x minus 1. फाइनली क्या हो गया, x is equals to 9, x is equals to, ये हमारे पास तीन तरह के क्वेश्चंस हो गए समझिए, पहला डिस्टेंस निकालना, दूसरा डिस्टेंस गिवन हो तो पॉइंट निकालना, तीसरा कंडीशन गिवन, एक कंडीशन और देता है वो भी देखिए, फिर एक एक क्वेश्चन आप करिए। सर ये वाला फिर से रिपीट कर दीजिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, व्हाट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है कंडीशन भी आ रही है इसमें, पॉइंट भी निकालना है, तो अब जो पॉइंट निकालना है वाई एक्सिस पे निकालना है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सपोज करो समझ लीजिए ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये हमारे पास एक्स एक्सिस, हमसे कह रहा है हमारे पास ये है पॉइंट, व्हाट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है व्हाट इज गिवन, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी, सपोज करो ये पॉइंट है ए व्हिच इज -3, 4 एंड देयर इज अनदर पॉइंट बी व्हिच इज 7, 6, हमारे पास एक पॉइंट ये ए गिवन है और एक पॉइंट ये बी गिवन, एंड दीज पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंस किससे, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो ये पॉइंट है हमारे पास वाई एक्सिस, तो हम इस पॉइंट को सपोज करेंगे लेट, बिकॉज ये वाई एक्सिस पे है तो इसके लिए एक्स जीरो होगा, यस और नो, हाँ भाई इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, यस सर, हमने आपसे कहा था एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है, तो आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ता है क्वेश्चन, लेट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस is b 0, ठीक है a गिवन है, a कितना गिवन है -3, 4 एंड b गिवन है कितना गिवन है 7, 6, और आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है pa is equals to pb, अब बताइए लामे ये बात सही है या नहीं, समझ में आया यहां तक, यस सर, तो हमसे सर एक बार फिर से बता दीजिए, क्या बताऊं क्या बताएं बताइए सर, जो अभी आपने कराया क्या कराया, मैंने तो अभी कुछ कराया ना, अभी ना क्वेश्चन स्टार्ट हुआ ना फार्मूला लिखा, अभी तो कुछ लिखा ही नहीं, जो क्वेश्चन लिखा हो उसको लिखा रहा, अब बताइए क्वेश्चन में क्या दिया भाई ये बता दीजिए, चलिए आप पढ़ दीजिए, क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको, यस सर, क्या है क्वेश्चन लिखा हुआ, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए -3:4 and b 7:6 से ऊपर के कुछ लिखा है, इक्वी डिस्टेंस है, व्हाट पॉइंट्स ऑन y एक्सिस इज, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब बताइए, मीनिंग बताइए, जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, what point on y axis is equidistant from ab, you mean humse ye keh raha hai ki y axis pe kaun sa point hai jo a se aur b se equal distance pe hai, ye keh raha hai bataiye isme, ye baat samajh mein aa rahi hai ya nahi, mujhe ye wala point nikalna hai, what point on y axis equidistant from a and b, इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्वेश्चन कह रहा हूं, अभी सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं हुई ना, तो आप जो कहते हैं समझाइए, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन की बात हो रही है, कि व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज गिवन फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी, अगर हम यहां पे कोई पॉइंट पी लेंगे तो हमें ये दिया हुआ, सिर्फ इतना दिया हुआ है कि PA is equals to PB, बस इतनी बात कह रहा है और कुछ नहीं, अभी गिवन है सॉल्व नहीं कर रहे, क्वेश्चन है ये कि PA is equals to PB, find P,
क्योंकि उसने ए दिया हुआ है माइनस थ्री फोर शायद, और बी दिया हुआ है सेवन सिक्स, और आपसे कह रहा है फाइंड पी। ये क्वेश्चन है, हम इसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन दिया है, अभी तो सॉल्यूशन किया ही नहीं। अरे मेरे अल्लाह, जी सर समझ में आई क्या बात? इतनी या नहीं आई अभी भी? यस सर। आगे गुड, प्लीज ध्यान से देखिए हमारे पास क्या है। हमने कहा कि हमें दिया हुआ है पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो अब हम यहाँ लिख चुके हैं, ठीक है, ये हमारे पास। अब आपके पास क्या है, पी जो है यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर एक्स एक्सिस पे है तो वाई जीरो और वाई एक्सिस पे है तो एक्स जीरो, क्योंकि P आपका y एक्सिस पे है, तो इस पॉइंट को अगर आपको सपोज करना पड़ेगा तो P के कोऑर्डिनेट क्या लोगे? भाई P के कोऑर्डिनेट होते हैं x और y, लेकिन क्योंकि ये y एक्सिस पे है तो y एक्सिस पे x जीरो होता है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप इसको जीरो y सपोज करोगे। यस सर नो? यस सर। अगर ध्यान रखिए ये चीज आएगी बेटे इस पूरे चैप्टर में, ये बार बार घूम के आएगी। अगर पॉइंट आपका x एक्सिस पे है, ऑन x एक्सिस, ये यूज होगा काफी, तो वहां पे y जीरो हो जाएगा। और अगर आपसे कह रहा है पॉइंट y एक्सिस पे है तो वहां पे x जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ है x एक्सिस पे तो इस पे कहीं पे भी आप कोई भी पॉइंट लेंगे, अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो y एक्सिस वहां जीरो लिखना, और ये जो आपके पास y एक्सिस है इस पे आप कोई भी पॉइंट लेंगे उस पे अगर आप पॉइंट लिखेंगे उसके लिए x जीरो लिखना। तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमने एक पॉइंट सपोज कर लिया, लेट पॉइंट ऑन y एक्सिस, जैसे ही आपने y एक्सिस कहा उसके लिए x जीरो हो गया, y पता नहीं क्या है, a गिवन है, a है माइनस थ्री फोर, यस, एंड b गिवन है 7 6, given P is equidistant from A and B, तो P का distance A से और B से equal है। अब क्योंकि ये distance formula है, तो distance formula under root में होता है, तो दोनों तरफ under root आएगा, तो चाहे तो पहले formula लिख लो बाद में square करो, और अगर आप practice कर लोगे तो आप square पहले भी कर सकते हो, तो पहले distance formula ही लिख लेते हैं। तो हमें किस किस को लेना है, हमें लेना है P को और A को, क्या आएगा अंडर रूट, यहाँ पे है जीरो, तो जीरो माइनस माइनस प्लस थ्री स्क्वायर। हाँ जी ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, एक्स का डिफरेंस, पी और ए की बात कर रहे हैं, फिर वाई का डिफरेंस लीजिए, तो वाई यहाँ पे वाई है और यहाँ पे फोर है, तो आपके पास क्या आएगा प्लस वाई माइनस फोर का स्क्वायर is equals to PB। अब आपको सिर्फ P और B को लेना है, ये P है हमारे पास और ये B है हमारे पास, difference of X and difference of Y, तो difference of X हो जाएगा 0 minus 7 का square और ये हो जाएगा Y minus 6 का square, बस ये है 10th का part, तो इतना सा है। PA is equals to PB के बाद आपने इतना लिख दिया, ये 10th का part, ना इससे पहले 10th का part था ना इसके बाद। हाँ जी बताओ समझ में आ गया क्या? यस सर। अब बताओ जीरो, इसको स्क्वायर कर दो तो दोनों साइड के अंडर रूट खत्म हो जाएंगे, स्क्वायर इट, स्क्वायरिंग कर दिया तो अंडर रूट। अब जीरो प्लस थ्री यानी कि थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, वाई माइनस फोर का स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन माइनस एट वाई, जीरो माइनस सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन,
y माइनस सिक्स का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा 9 प्लस 16 25 हो गया और 49 और 36 85 हो गया माइनस 85 एंड माइनस 12 प्लस 8 इसे इधर ले जाए तो माइनस का 4y आएगा, तो हमारे पास क्या आ गया माइनस 85 प्लस 25 इज व्हाट माइनस 60 एंड माइनस 4y, तो माइनस माइनस कैंसिल 60 बाय 4 y इज इक्वल्स टू 15, तो पॉइंट हमारा जो है वो आएगा हमने लिया था 0y 0 15, ये आंसर 0 15। लामी आप समझ में आए अभी नहीं आए? सर आपने ऊपर स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया ना, वो साइड करोगे तभी तो स्क्वायर रूट कटेगा ना। यस सर, कॉल थोड़ा ही करना है, हमने स्क्वायर रूट रिमूव करना है, दोनों साइड रिमूव करना है, ठीक है? ओके सर। यस सर, तो ये तीन क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन और रह गए अभी, तो आज इतना ही कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास भी ले लेंगे, कब तक चाहिए, शाम में चाहिए, मुझे भी 4 बजे में एक क्लास है, उसके हिसाब से करना। बहुत सिंपल बेटे, दो ही तीन फॉर्मूले हैं, पहला डिस्टेंस फॉर्मूला है, दूसरा रेशो फॉर्मूला है, तीसरा एरिया फॉर्मूला। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के तीन पांच क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन डिस्टेंस निकालना, दूसरा डिस्टेंस गिवन हो सॉल्व करना, तीसरा कंडीशन। तो पता हमारे पास क्या होता है, ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन, कि अगर हमारे पास तीन पॉइंट गिवन होंगे, आप देख लो अगर करना चाहो कर लेना, ये अगर तीन पॉइंट गिवन होंगे ए बी सी, तो आपसे कहता है टाइप ऑफ ट्राइंगल बताइए, टाइप बताइए ट्राइंगल का, मतलब आपको ए बी डिस्टेंस निकालना है सपोज करो 7 आ जाए, बी सी डिस्टेंस निकालना है सपोज करो 5 आ जाए, ए सी निकालना है सपोज करो 5 आ जाए, तो आप कह सकते हो आइसोसेलेस ट्राइंगल, तीनों डिफरेंट आ जाए तो आप कह सकते हो स्केलियन ट्राइंगल, तीनों इक्वल आ जाए तो आप कह सकते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल, पाइथागोरस हो रहा हो तो आप कह सकते हो राइट ट्राइंगल, तो एक टाइप ये आएगा टाइप ऑफ ट्राइंगल। इन द सेम मैनर आपके पास आएगा कि नहीं हमारे पास तो 4 पॉइंट्स हैं, तो इफ देयर आर 4 पॉइंट्स तो देयर विल बी 4 साइड्स, तो आपसे पूछता है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि अगर अपोजिट साइड इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल नॉट इक्वल, ये डायगोनल अलग है और ये डायगोनल अलग है, तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर अपोजिट साइड इक्वल हो और डायगोनल भी इक्वल हो तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। दूसरा, अगर आपकी चारों साइड इक्वल आ जाएं बट डायगोनल इक्वल ना हो तो वो रोम्बस आ जाएगा। एंड फाइनली आपके पास क्या है, अगर साइड्स भी इक्वल हैं चारों साइड्स और डायगोनल भी इक्वल हैं तो फिर वो स्क्वायर आ जाएगा। तो ये चार चीजें आपसे पूछ सकते हैं, तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इस पे क्वेश्चन कर लीजिए, देख लीजिए इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिए। मैं जो वर्कशीट, बहुत अच्छी सी वर्कशीट है ये, मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत अच्छी, जैसे कहना चाहिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ओके जी, आज के लिए इतना ही, जिन बच्चे कह रहे थे उन सबकी क्लास हो गई या नहीं?